इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक हो और हंगामा न हो, ऐसा ना तो शायद कोई दिन गया हो और ना ही इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। मंगलवार हुई कार्य परिषद में भी विवि के शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ और छात्र संघ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ज्ञापन देकर मौके से रवाना हो गए। मंगलवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित MRC में कार्य परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले की बैठक विधिवत शुरू होती अपनी मांगों को लेकर शिक्षक संघ और अन्य संगठन हॉल में जा पहुंचे और फिर करीब एक घंटे में ज्यादा मीटिंग को विलंब किया गया और ज्ञापन देकर बाहर निकले और शिक्षक संघ अध्यक्ष ने मीडिया से अपनी बात कहते हुए कार्य परिषद पर पूर्ण विश्वास जताया और अपनी मांगों को जल्द हल होने की उम्मीद भी जताई है। आपको बता दें कि शिक्षक संघ की मुख्य दो मांगे हैं, जिसमें पहली मांग स्वल्वित शिक्षकों की भविष्य निधि की सुरक्षा प्रदान की जाए, सातवें वेतन आयोग की दूसरी किस्त जो की विवि के शिक्षकों को छोड़ सभी को मिली है उसका लाभ भी हमें मिले। शिक्षकों के ज्ञापन के दौरान कार्य परिषद की मिली मंजूरी से शिक्षकों को राहत नजर आ रही है और आने वाले 3 दिनों के बाद एक आदेश निकाला जाएगा जिस पर विश्वविद्यालय के विधिवत मोहर के बाद शिक्षकों को कम जल्द और आसानी से होने की उम्मीद है। कार्य परिषद की बैठक में पहुंचे थे, काफी समय से संघर्षरत थे, क्या पूरा मामला है, क्या आश्वासन आपको मिला है? सर इस मामले में मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय कार्य परिषद के समक्ष हमारा प्रस्तुतिकरण दिया। नंबर 1, हमारे स्ववित्त शिक्षकों की जो एक कई वर्षों से लंबित जो मांग है या जो हमारा हक और अधिकार है कि हमारे को जो भविष्य निधि की सुरक्षा प्रदान की जाए वो, और दूसरा 7वें वेतन आयोग की द्वितीय किस्त जो कि सभी को मिल चुकी है विश्वविद्यालय शिक्षकों को छोड़ करके, उनके संदर्भ में हम माननीय कार्य परिषद के सदस्य और माननीय कुलपति महोदया से आज मिले हैं। कक्ष में क्या आपने अपनी बात रखी, वहाँ से क्या आपको जवाब मिला? हमने माननीय कार्य परिषद के सदस्यों के समक्ष स्पष्ट रूप से सिर्फ 2 बातों का निवेदन किया जो कि हमारा अधिकार भी है। नंबर 1, हमारे शिक्षकों की जो भविष्य निधि की युक्तिकरण की बात थी और दूसरी हमारे शिक्षकों के वेतनमान के एरियर से संबंधित बात थी, और दोनों बातों पर विश्वविद्यालय के माननीय कार्य परिषद सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। ना सिर्फ सहमति व्यक्त की, उन्होंने सबकी तरफ से यह आश्वस्त भी ना कहें, उन्होंने बिल्कुल श्योरिटी दी कि हम अनिवार्य रूप से अगले 3 दिनों में इस प्रकार का कोई आदेश निकाल देंगे। उसके फिर क्या अमेंडमेंट होगी उस पर और चर्चा की जा सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2022 तक हम ये कर देंगे। और माननीय कार्य परिषद सदस्यों ने यह भी कहा कि हम 31 मार्च 2022 तक एरियर की दूसरी किस्त अनिवार्य रूप से शिक्षकों को मुहैया करवा देंगे। कितने शिक्षक होंगे जो इस लाभ से वंचित? 350 शिक्षक किस्त से वंचित हैं और 125 के आसपास हमारे सोवित के शिक्षक भविष्य निधि से वंचित हैं। समय दिए हुए समय पर यदि आप लोग जो डिमांड से पूरी नहीं होती है, कैसे? हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं क्योंकि माननीय कार्य परिषद का निर्णय है, माननीय कार्य परिषद का आश्वासन है। माननीय कार्य परिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था है और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो हम फिर निवेदन करेंगे माननीय विश्वविद्यालय प्रशासन से कि कृपया गौर करें, कई सालों से आप इसी तरीके से हमें आप वंचित करते आ रहे हैं, पता नहीं ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। हम फिर शहर के गणमान्य नागरिकों और विश्वविद्यालय के सारे जिलों के गणमान्य नागरिकों और पालकों से निवेदन करेंगे कि आपके भविष्य के साथ ही नहीं पूरे देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे, अध्यक्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षक संघ इंदौर। कौन कौन लोग पहुंचे थे, क्या क्या ज्ञापन आपको? नहीं, बहुत सारे कर्मचारी के जो तीन संघ हमारे, तीनों लोगों के कर्मचारी गण भी थे और कुछ लोग जो अभी सवित्री में एक है लेडी है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनका भी मामला चल रहा है, उनका तो एक वो महिला भी आई थी। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए थे, उन सबके ज्ञापनों पर विचार करने के लिए रख लिया। मैम, इसी की बैठक के पहले इस तरीके से होता है सब, ये छात्र संगठन और बाकी सब लोगों को लगता है कि इसी मेंबर से मिलने का यही मौका है, पर वैसे ऐसा नहीं है, कभी भी मिल सकते हैं और BC रजिस्ट्रार तो हमेशा ही मिलते हैं, पर अगर उनको इसमें संतोष है तो ठीक है। उनके लिए आधे घंटे का सुबह रखा था लेकिन समय काफी हो चुका है, अब सब टीचर्स भी आए।